जैसा आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, 2/2 की डिटर्मिनेंट दी गई है और डिटर्मिनेंट की वैल्यू कहा गया है कि इक्वल है ना, तो एक्स की वैल्यू बताइए, ऐसा कहा गया है ना। अब अगर सोचिए कि अगर डिटर्मिनेंट ना होकर मैट्रिक्स होता तब क्या कहते, कि हर ए आई जे बी आई जी के इक्वल होता, मतलब इसका करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसके इक्वल होता, मतलब 2x के इक्वल होना चाहिए, मतलब इसकी वैल्यू 2 आ गई, 3 के इक्वल है ही है, और 4x की वैल्यू जब 2 होगी तो ये 4 के इक्वल हो जाएगा, 5 मतलब x इक्वल टू 2 के लिए अगर ये मैट्रिक्स होती तो। लेकिन ये तो ख्याल है कि मैट्रिक्स का क्वेश्चन होता तो, यहाँ है डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन। तो डिटर्मिनेंट में हम लोग क्या करेंगे, इसकी एक सिंगल वैल्यू निकाल लेंगे एक्सपेंड करके, कितना जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ लीडिंग डायगनल दैट इज 10 माइनस ऑफ डायगनल दैट इज 12 दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ भी प्रोडक्ट ऑफ लीडिंग डायगनल 5x और माइनस क्या हो जाएगा 6x, कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा माइनस का 2, इधर से भी कितना आ जाएगा माइनस का x, तो यहाँ डिटर्मिनेंट भी इक्वल होगी x इक्वल्स टू 2 के लिए और मैट्रिक्स भी x इक्वल्स टू 2 के लिए इक्वल होती है ना, तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर x इक्वल्स टू 2 होगा।